शाह असद हुसैन, बादशाह असद हुसैन, दीन असद हुसैन, दीने पनाह असद हुसैन, सरदार हदाद दस दस दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला असद हुसैन। हुसैन पाक ने अपने साथ जो काफिला लेकर गए थे 72 तन समेत अपने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, लेकिन बादल के आगे सर न झुकाया, हत्ता के सजदे की हालत में आपका सर तन से झुका कर दिया गया, लेकिन आपका जसद मुबारक सजदे में था और उन यजीदियों ने नेजे की नोक पर आपका सर अजर रखा हुआ था। और रिवायात में आता है, उलमा फरमाते हैं कि नेजे की नोक पर सर अजर था और आपके मुंह मुबारक से, आपकी जुबान मुबारक से कुरान की तिलावत जारी उसारी थी। इसका मतलब क्या है? अभी भी दौर आपको बादल का ही चल रहा है, एक तरफ यहूद और नसारा की ताकत है और एक तरफ मेरे आका का तरीका है। आज अहद करें कि हजरत इमाम हुसैन पाक ने एक रात मांगी, उन्होंने कहा मैं अभी जंग नहीं करूंगा, मुझे एक रात दो, मैं अपने अल्लाह को राजी करा सकता। और तीन नमाजें उस जंग के दौरान 10वें मुहर्रम को ज़ुहर, असर और मगरिब की आई, आपने मैदान जंग में भी नमाज को कज़ा न किया। ये हमारे लिए दर्स है। उधर जो यजीद था वो शराब की महफिल से जाता था, वो फर्ज नमाजों को तर्क करता था, और इधर इमाम हुसैन पाक की कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई थी। और यजीदी ने जब ये कर्बला का मामला हुआ, उसके बाद 12,000 की फौज के साथ मदीना शरीफ पर हमला किया। एक तरफ इमाम हुसैन पाक हजूर से इजाजत लेकर, हजूर के रोजे पाक पर हाजिरी देकर वहां से रुखसत हुए कूफा की तरफ, किस लिए? कि वो चाहते ही नहीं थे कि मदीना शरीफ में खून खराबा हो, तेरे मुस्तफा में हजूर को तकलीफ हो। आप वहां से हिजरत कर गए, लेकिन रिवायात में आता है अल कूफी वला यूफी, कूफा वाले वफादार नहीं होते। उन्होंने वही किया, पहले 40,000 की तादाद में साथ शामिल हुए, दो